अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है, हम इसको खिलाफ है। आप जिसको भगवान मानते हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे ग्राइडिंग प्रिंसिपल में रखा है। जिन्होंने भारत को तोड़ा वो मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी के नेता थे? ये क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? मैंने इतनी विकृत दृष्टि से इतिहास का इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है। अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है, कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है, हम इसको खिलाफ है। हम अकेला रहेंगे तब भी इसको खिलाफ करेंगे। सर हमको बोलने दिया जाए, इतने वरिष्ठ सदस्य क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखी हुई बात, जिस चीज को आप जिसको भगवान मानते हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे ग्राइडिंग प्रिंसिपल में रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा है, वो संविधान निर्माताओं ने रखा है कि आने वाले दिनों में देश के विधानमंडल और देश के संसद मंडल किस दिशा में चलने चाहिए, इसलिए ये इनको मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करनी है तो इस विषय पर महोदय मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, अगर इस विषय को आप अनुमति देते। अगर इसी तरह से बात करनी है तो जिन्होंने भारत को तोड़ा वो मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी के नेता थे? और मान्यवर उस वक्त तो आज इनको मालूम नहीं है, श्यामा प्रसाद बाबू न होते, उन्होंने बंग बंग न करा होता तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा न होता। कांग्रेस की डिजाइन से तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला गया होता, पाकिस्तान में चला गया होता। श्यामा प्रसाद बाबू थे जिन्होंने बंग बंग करा, इसके कारण आज बचा हुआ बंगाल भारत का हिस्सा है। ये क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? मैंने इतनी विकृत दृष्टि से इतिहास का इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है। दूसरा बंग बंग केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ।